सो हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका भाई बसंत। सो गाइस, आज हम फिर से न्यू स्कारफॉल गेम प्ले वीडियो लेकर आ चुके हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस, यहां पर मैं लैंड कर गया और यहां पर आने वाला है गजब गजब मजा। और यहां पर मैं थोड़ा बहुत लूट कर लेता हूं और लूट करने के बाद यहां पर फिर से शायद इन्हें भी इधर इधर ढिंकी जी क्या कर रहा है रे बाबा। और इसको मैंने खोपचा में डाल दिया। रे मुन्ना सो जा सो जा, बाबा जी आ जाएगा, गड़दा उड़ा देगा, खोपचा में डाल देगा। रे मुन्ना खोपचा में डाल देगा। तो भैया यहाँ पर हो चुका है खेल का एकदम शुरुआत गजब। और यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत लूट लूट कर लेता हूँ और लूट करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा लौंडा आने वाला है और लौंडा को मैं खोपचा में डालूंगा। रे एक लौंडा नीचे की ओर ढींग की जगह कर रहा था तो उसको मैंने फिनिश कर दिया रे बाबा। और यहाँ पर इसको फिनिश करने के बाद फिर से कोई शायद यहाँ पर कहाँ है। रे मुन्ना जा 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 जा, मुन्ना इधर आ जा रे 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 रे, रे किधर से रे बउआ। तो भैया यहाँ पर एक अनार का लेडीज को चली यहाँ पर आ चुके, इसको मैंने खोपचा में डाल दिया भैया। और इसके साथ काफी अच्छा इंटरेस्टिंग गेम प्ले हो रहा है भैया। आप लोग वीडियो को अंत तक एकदम देखिएगा, बढ़िया से एकदम लपालप बढ़िया एकदम गेम प्ले बना हुआ है, काफी अच्छा लगेगा। तो आप लोग एकदम दिल थाम के वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, काफी मजा आएगा। ओ चाचा क्या हाल चाल है भैया, ठीक ठाक है ना एकदम। चाचा तो एकदम मारपीटी करने के धुन में लगा हुआ है भैया, इसको तो मैंने गर्दा उड़ा दिया इसीलिए। और इसके साथ हमारा हो चुका है बढ़िया किल एकदम, और भी किल करेंगे, आप बस देखते रहिए क्या होता है आगे। तो भाइयों यहाँ पर फिर से एक ढिंकी चिका घर ला चुकी है और इसको मैंने खोपचा में डाल दिया। और बढ़िया एकदम गेम प्ले चलता हुआ, काफी मजा आ जाएगा। रे मुन्ना मुन्ना मुन्ना। तो भाई यहाँ पर अब हो चुका है मस्त, यहाँ पर और भी बंदे लोग बहुत ज्यादा मैंने किल किया है, 20 किल किया है भाई हमने काफी। और चार प्लेयर जो था वो एकदम रियल प्लेयर था, काफी डेंजर मुकाबला उसके साथ हुआ है। सो अंत तक देखिएगा कैसे मैंने उसको मारा है। और यहाँ पर एक जो चिमकांडिल था वो घर के पीछे छुप गया शायद, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्कारफॉल मैं यहाँ पर मैं धूम मचाने आया हूँ। यहाँ पर एक मुन्ना को यहाँ पर खोपचा में डाल देता हूँ और दूसरे को लोपचा में डाल देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत गन रिलोड कर लेता हूँ, बट यहाँ पर गन रिलोड नहीं होता रहता है, थोड़ा यहाँ पर बग आ गया रहता है गेम में, लेकिन कुछ देर बाद ठीक ठाक हो जाता है। और ठीक ठाक होने के बाद डायरेक्ट इसको खोपचा में रेल देता हूँ और इसी के पेटे से थोड़ा बहुत लूट कर लेता हूँ। और लूट करने के बाद मैं इसी तरह ढींग की चिका इधर उधर ढींग की चिका करते करते एनेमी को ढूंढ रहा हूँ भाई कि कहाँ मिले एनेमी के, डायरेक्ट उसको खोपचा में डाल दे। और मैं यहाँ पर पोर्चर के अंदर आता हूँ थोड़ा बहुत लूट करने, और यहाँ पर कुछ तो राजा नहीं है बट कुछ कुछ मिल जाता है, जो मिलता है वही ले लेते हैं, काम आ जाएगा मुन्ना। तो गाइस यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत मिला है उसका लूट वूट थोड़ा कर लिया है। और लूट करने के बाद मैं फिर से इस घर के बाहर आता हूँ और यहाँ पर थोड़ा बहुत ही एनिमी का आवाज सुनाई दे रहा था और जोन भी चेक कर लेता हूँ। जोन भी छोटा और हुआ है, काफी छोटा हो चुका है। अब यहाँ से हमें निकालना भी होगा क्योंकि और यहाँ पर मेरा सारा दोस्त खत्म हो चुका है, फिनिश कर दिया शायद एनिमी लोग ने। और वही एनिमी शायद कहीं पर बैठा होगा और ढिंकी चिका करता होगा, और उसका सामना मेरे से जो लास्ट में हुआ है, लास्ट जोन में काफी गजब सर्वाइव हुआ है, बढ़िया एकदम उसको कैसे कैसे मारा है। एक जो एनिमी था वो डायरेक्ट बाइक से आया और पीछे से डायरेक्ट रश करता है, बट उसको मैंने खोपचा में डाला हुआ था। तो आप लोग उसको देखिएगा उस क्लिप्स को, इसलिए मिस मत कीजिएगा उस क्लिप को। और यहाँ पर टोटल किल हो चुका है कितना, 10+ किल हो चुका है भैया। और यहाँ पर मैं इधर उधर ढींग की जगह कर रहा हूँ और जहाँ भी मिलेगा इन्हें उसको खोपचा में तो डालेंगे भाई, खोपचा में तो डालेंगे। और यहाँ पर जो मिलता है थोड़ा बहुत लूट कर लेते हैं। लूट करने के बाद यहाँ पर इधर इधर ढींग की चिका कर रहा हूँ भाई, क्या करूँ, तो ढींग की चिका ही तो करना पड़ेगा ना, इन्हें नहीं मिलेगा तो क्या, ढींग की चिका ही तो करना पड़ेगा, ढींग की चिका नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। और मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे की ओर देखता हूँ कि कहीं नीचे की ओर इन्हें तो नहीं है, लेकिन ये नीचे की ओर भी नहीं रहता है। तो मैं फिर से वही आगे की ओर जाता हूँ और यहाँ पर मुझे दो इन्हें आपस में लड़ते हुए दिखाई देता है, तो मैं इस पर थर्ड पार्टी कर देता हूँ और दोनों को डालने देता हूँ बाउंड्री लाइन के बाहर ऊपर। और इसको मारने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत गन रिलोड कर लेता हूँ, और गन रिलोड करने के बाद यहाँ पर इसका जो नीचे की ओर मैं जाता हूँ, नीचे की ओर यहाँ पर मैं इधर इधर कर रहा हूँ, और यहाँ पर थोड़ा बहुत जो मिलता है पेटी में कुछ नहीं रहता इसलिए छोड़ देता हूँ। और फिर से मैं आगे की ओर यहीं पर पोल्चर के पास इधर इधर घूमता रहता हूँ एकदम इनेमी को मारने के लिए। और यहाँ पर दो इनेमी लड़ता रहता है तो मैं इसको ऊपर जाने देता हूँ, दोनों को फिनिश कर देता हूँ। और फिनिश करने के बाद यहाँ पर हमारा किल हो चुका है 14, और आगे भी और ज़्यादा अच्छा अच्छा किल क्लच आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर एक चिमकांडी बाबा आ जाता है तो मैं इसको खोपचा में फिर से डाल देता हूँ, और इसी तरह खोपचा में डालते रहेंगे और सबको गर्दा 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 उड़ाते रहेंगे। ढिंकी जी का चलेगा मैच में, बहुत ही चलेगा, बहुत ही चलेगा, ढिंकी जी का चलेगा, गर्दा गर्दा चलेगा, सो जा रहे मुन्ना, बाबा जी आ जाएगा, यह भी चलेगा।
और गेम में ढिंग किची का लोग क्या करता है, छौड़ी पटाता है, तो उसको भी खोपचा में डाल देंगे। और यहाँ पर एक लोग छौड़ी पटा रहा था तो इसको भी मैंने खोपचा में डाल दिया। और इसको खोपचा में डालने के बाद मैं यहाँ नदी के अंदर जंप लगाता हूँ, नदी में आता हूँ और जोन को चेक करता हूँ कि जोन कितना कितना बन चुका है, और जोन हो चुका है काफ़ी ज़्यादा छोट। तो इसलिए हमें अब यहाँ से भागना होगा, नहीं भागेंगे तो हम ही खोपचा में डला जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा अटक गया था, यहाँ पर बर्फ में मेरा पैर अटक गया था, तो फिर से मैंने पैर को निकाला और यहाँ से मैं फिर से एकदम दंदना के यहाँ से एकदम फास्टेट रॉकी स्टार की चला, एकदम यहाँ से जंप लगा लगा कर लंबी 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 छलांग लगाते हुए। और यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है काफ़ी ज़्यादा एकदम मेहनत कर रहा है भैया, काफ़ी ज़्यादा लंबा लंबा छलांग मार रहा है एकदम, और एकदम ढींकी चिका करते 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 इस महल के पास आता है। और इस महल में मेरा, मैं सोचता हूँ कि कहीं थोड़ा बहुत लूट मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मेरे पास पूरा एमो खत्म हो चुका है। इसलिए मैं इस घर के अंदर आता हूँ और यहाँ पर कुछ तो खास मिलता नहीं है, बट ऊपर की ओर जाता हूँ, कहीं ऊपर की ओर मिल जाए, इसलिए मैं ऊपर की ओर आता हूँ। और यहाँ भी नहीं कुछ दिखाई रहता तो मैं और आगे की ओर इधर उधर जाता, और यहाँ पर फाइनली मुझे मिल जाता है, और मिलता है मुझे छोटा मोटा SMG गन ही मिलता है। और गन लेने के बाद अब मैं इस बिल्डिंग को खाली करते हुए और मैं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर जोन काफ़ी छोटा हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर भी एकदम लंबे लंबे कदमों से एकदम आगे की ओर बढ़ता जा रहा हूँ, क्योंकि जोन हो चुका है एकदम ख़त्म। इसलिए अब हमें यहाँ से निकलना होगा। अरे बाबा, तो मुन्ना क्या चलना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, मुन्ना बोल रहा है कि चलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि अब जोन छोटा हो चुका है, इसलिए यहाँ से निकलना होगा। अरे बाबा, तो भाई यहाँ से मैं निकल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है, और एकदम स्पाइडरमैन की तरह एकदम लंबी लंबी छलांग और रेस दौड़ के भाग के यहाँ से मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। तभी कोई चिमकांडी पीछे से डायरेक्ट मुझे रस कर देता है और मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डैमेज पड़ता हुआ, तो टेंशन नहीं लेने का, मैं फिर बच जाता हूँ। और यहाँ पर मैं दो मेडिकिट मार लेता हूँ और एक ही मेडिकिट से काम चल जाता है, तो दो नहीं मारता हूँ। और यहाँ पर एक अनारकली जड़ जो थी काफ़ी ढींग खींचा कर रही थी, तो मैंने इसको खोपचा में डाल दिया। और इसको खोपचा में डालने के बाद यहाँ पर एक और दूसरी अनारकली चली आती है, तो यहाँ पर पहले मैं गन रिलोड करता हूँ और एक मेडिकिट मार लेता हूँ, क्योंकि हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है गेम में। और मेडिकेट मारने के बाद मैं उसको देखता हूँ, वो दूसरी अनार के लिए रहती है, उसको भी मैंने ढींग खींचा करके गर्दा उड़ा दिया। और इसको गर्दा उड़ाने के बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं, गन रिलोड करता हूँ। और गन रिलोड करने के बाद यहाँ पर बंदे लोग चार लाइव अभी भी बचे हुए हैं, तो मैं पहाड़ के ऊपरी हिस्सा में जाता हूँ। यहाँ पर माउंटेन काफ़ी अच्छा एकदम क्या बोलते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है एकदम, माउंटेन से नीचे की ओर देखने पर काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा है भैया, एकदम ढिंग की चिका वाला नज़ारा लग रहा है, एकदम बेस्ट वाला नज़ारा है भैया, काफ़ी मस्त है। आइसलैंड 2.0 मैप काफ़ी बेहतर है, मेजर अपडेट के बाद बहुत लोग इसको खेलेंगे, इस मैप को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट करेंगे, गेम प्ले भी करेंगे, इसमें मज़ा लेंगे। और यहाँ पर एक ड्रॉप गिर चुका हुआ है, तो मैंने ड्रॉप को स्कोप से देखा, बट उसमें वहाँ पर कोई एनिमी नहीं था, तो मैं यहाँ पर पत्थर के पास बैठकर थोड़ा देर बाबा जी का मंत्र पढ़ता हूँ कि भाई वो इन्हें जल्दी से मिल जाए ताकि मैं उसको खोपचा में डाल दूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत मंत्र यहाँ पर बाबा जी का पढ़ता रहता हूँ कि सोजा मुना रे सोजा मुना। तभी यहाँ पर मुझे दो इन्हें दिखाई देता हुआ गाड़ी से आता है, क्या बोलते बोट लेकर आता है, और मैं उसके बोट को गर्दा उड़ाकर ब्लास्ट कर देता हूँ और दोनों इन्हें को खोपचा में डाल देता हूँ। और खोपचा में डालने के बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छा 19 किल हो चुका है और एक बंदा बचा हुआ है, शायद वो बंदा कहाँ पर ढींग खींच रहा है और वो जोन नहीं मर जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ठोक दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय 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 बाय।